रामदास आज्ञा मालिक। मन्ने को सारी बात पता लगी। गांव वालों अब तय लोग मन्ने का फैसला भी सुन लियो। रामदास को अपने बेटे की शादी धनिया के साथ ही करनी पड़ेगी। ई को सुतरा खिलवाड़ नहीं कि तय का बेटा शादी का लाले देखकर यहाँ की बिटिया की इज्जत लूट ले। ई हमारे गांव की इज्जत का सवाल है। क्यों गांव वालों पैसे संभाल के ई का फिसल गई का क्या हुआ दीदी? कनेक फिसल गई थी। घर में तो सब कुशल है ना? रघुनाथ तो अच्छा है ना? जा 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 रुक ना पारो छोड़ ना जीजी देख लेगी। अरे देखने तेरा देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाया देख ये देख कितना अच्छा है। अरे, अरे। मैं जानती हूँ तुझे घर जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है। बाबा लड़का देखने गया ना। तोड़ दिया। मन ने तो बस देवी की पूजा कर रहे छमिया। हाय लागी ठाकुर। खुश रहो रघुनाथ। कहो कैसे आना हुआ? आपसे कुछ मदद लेने आए हैं ठाकुर। कैसी मदद? गंगा का ब्याह पक्का हो गया है ठाकुर। ये तो ढेर खुशी की बात है रघुनाथ। लड़के वाले लड़की देखने आ रहे हैं। लड़का भी साथ आ रहा है। मैं सोचता हूँ उसी दिन उसकी मंगनी भी कर दूं। कुछ रुपए मेरे पास है मालिक। कुछ अगर आप मदद कर दें तो 1000 में काम हो जाएगा मालिक। मुंशी जी। जी मालिक। दे दियो 1000 रुपया। अच्छा मालिक। मुंशी। हाँ मालिक। गंगा की ब्याह की तैयारी शुरू हो गई लेकिन मन्ने के सीने की आग अभी तक नहीं बुझी। रघुनाथ जी आपकी लड़की हमें पसंद है। बात पक्की। अब लड़का लड़की दोनों बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तुम भी बोलो बेटी। बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। मामा क्या है? लड़की तो गूंगी है। धोखा इतना बड़ा धोखा। उठ भांजे। रघुनाथ अपने घर की बला टालने के लिए क्या हमारे ही घर मिला था? तुम्हारी लड़की गूंगी थी उसके लिए अंधा बहरा लड़का ढूंढते कोई लंगड़ा या लूला ढूंढते। चल भांजे। चलो मामा। हाँ चलो मामा। किसी को किनारा ससुरे बात बदतमीजी की कर मगर तमीज के साथ भुला। अरे तै तो तमीज की बात ही कर रहे हैं। अरे मल्ले को समझ ला लागी। इले इले अरे इले बांट ले आपस में और ऐश करो। हसो हसो। Ha 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 ha
सिरा गंगा और मन्ना भी खुश करता है। अरे 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 परेशान मत हो गंगा, ये तो तय की किस्मत अच्छी है कि हम तन्ने के पास चल के आए रे। आजा ना गंगा, ना गंगा मत रो, गंगा जो हो गया वो मन्ने को ढेर अच्छा लागे पर मन्ने को तय के तेवर बिल्कुल अच्छे ना लागे। मन्ने की एक बात तय कान खोल कर ध्यान से सुन ले, अगर तय ने इसकी खबर किसी को दी तो मन्ने तय को, तय की भेड़ा, तय के बूढ़े बाप को जिंदा ना छोड़ू, सबके सीने में गोली दाग दू। गंगा, गंगा। दीदी, दीदी, शंकर। मेरी से आवाज भी थी पर ये रुकी नहीं, सीधे नदी में छलांग लगा दी। पारो, घर में कोई बात तो नहीं हुई थी? नहीं, घर से तो अच्छी खासी निकली थी पूजा करने के लिए। जीजी, जीजी बताओ ना कौन था। क्या धर्मदास? सारा गांव धर्मदास की बात माने पर तने ना माने। घासलेट है घासलेट। एक बार कह दे कि ये झूठ है बेटी, ये झूठ है गंगा, ये कह दे कि ये झूठ है। मैंने तुमसे एक छोटी सी भीख मांगी है, मेरी जीजी की इज्जत पर अपनी दया की चादर डाल दो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये भीख देकर हमेशा के लिए भिखारी हो जाऊं, जानबूझकर ये जहर पी लूं और फिर तड़पता रहूं जिंदगी भर? जानती हो पारो, तुम्हारी बहन की इज्जत पर चादर डालने से पहले हमें अपने प्यार पर कफन डालना होगा। वो कफन मुझ पर डाल दो, समझ लो मैं मर गई। नहीं पारो, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। रघुनाथ, तो मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी गंदगी को अपने कलेजे से लगा रखा है, उसका गला क्यों नहीं घोट देते? आखिर तुम्हारी लाडली बताती क्यों नहीं उस कुत्ते का नाम? मैंने पूछे हो गंगा, बताते के साथ ये हरकत किसने की? कहीं उसने तय को जान से मारने की धमकी तो नहीं दी? बोल गंगा, गंगा बोल। नहीं, रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। आपका गुनाहगार आपके सामने खड़ा है, गंगा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। पापी, नीच तो तू है वो नाग जिसने मेरी इज्जत को डसा। शंकर, मैं तुझे सीधा साधा और भोला समझता था। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शंकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चुप, रघुनाथ, तेरा दिमाग पागल हो गया है। ये बेचारा सारे गांव के सामने कबूल कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदारी है और तय इस पे हाथ उठावे, ये अन्याय है और मन्ने को अन्याय बिल्कुल अच्छा ना लगे। लेकिन मालिक। लेकिन कुछ नहीं, शंकर और गंगा का ब्याह रचाई दो। कभी कभी ऐसा भी हुआ है। तुम्हारे साथ मेरा पति का कोई रिश्ता नहीं। हाँ, इंसानी फर्ज जरूर है। तुम अगर मुझे बता दो कि वो आदमी कौन है तो मैं वचन देता हूं उसे लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। बता दो गंगा, कौन है वो आदमी? लेकिन ये ससुरा शंकर
रास्ते का रोड़ा बन गया है। उसे अपने पांव की ठोकर से उड़ा दीजिए मालिक। मालिक, पारो को भी उसी तरह क्यों नहीं हासिल कर लेते जैसा गंगा को किया था? और अगर पारो भी पेट से हो गई तो कोई दूसरा शंकर सामने आ जाएगा? नहीं तो अपने शंभू तो है ही मालिक, जो शंभू। आज पता चला तू आदमी भी नहीं, भेड़िया है भेड़िया। रघुनाथ, तय की बात कोई नहीं मानेगा। शंकर ने भरी सभा के अंदर स्वीकार करे है कि गंगा के साथ जो कुछ भी है उसका जिम्मेवार हुआ है। धर्मदास, वो नहीं, तू है। आज आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धर्मदास। बेटा, जो एहसान तूने मुझ पर किया वो मैं 10 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकता बेटा। अरे बाबा, वो तो मेरा फर्ज था, उसे एहसान समझते हैं। चलो बाबा चलो। मन्ने इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तय से कहता हुआ जाऊं कि मन्ने के घर का कुआं सूख गया है, तय आके पंप लगा दियो। कब आ जाऊं? जब जी जाया जा, पंप घर पे मंगवा लिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा मालिक। मन्ने एक बात बता शंकर, तय का और गंगा का कितने दिनों से चक्कर चल रहा था? अरे बोल ना शंकर, मन्ने से किस बात की शराब? कितने दिन तक आपके सून और मूल के चक्कर में फंसी रही, आखिर कब तक मैं अपने आप को बेचती रहूंगी? मैंने कि तुझसे छोड़ दिया। धर्मदास जी, आपका पानी। क्या बात है? धर्मदास ने पारो को पकड़ लिया। क्या? हाँ? धर्मदास ने पारो को पकड़ लिया? हाँ? मेरी पारो को बचा ले बेटा, नहीं तो वो धर्मदास गंगा की तरह मेरी पारो की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा बेटा। पारो को बचा ले बेटा। धर्मदास, ये हार भी पहन ले। अरे सुनो, तुम्हारे गांव का सत्यानाश हो गया, तुम्हारे गांव की बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई। वो धर्मात्मा नहीं, गाँव का सबसे बड़ा पापी है, उसने हम जैसी कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। गंगा, मन्ने का बाल छोड़, मन्ने का बाल छोड़ गया। अरे गंगा, मन्ने तेरे को जान से मार दूँगा। छोड़, अरे छोड़ गंगा, गंगा छोड़, मैं बोलूँ छोड़ गंगा, अरे छोड़। गंगा मन्ने मत मार, मैंने सारे गांव से कह दूं कि ये पाप मैंने किया। मैंने तय नहीं मार सकती, तय मैंने नहीं मार सकती गंगा, तेरे बेटे मेरा बच्चा है। नहीं, पिंजरे से जो सफर में।